जय हिंद दोस्तों, मैं एक्स सर्विसमैन संदीप, प्रेजेंटली वर्किंग इन SBI फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन आफ्टर रिटायरमेंट। दोस्तों, ये वीडियो एक्स सर्विसमैन के साथ साथ उन सभी सर्विंग पर्सनल्स के लिए भी काफ़ी उपयोगी है जो रिटायर होने वाले हैं और रिटायरमेंट के बाद एक अच्छे जॉब के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे उन सभी मेन जॉब्स के बारे में जो अवेलेबल हैं एक्स सर्विसमैन के लिए रिटायरमेंट के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो में कुछ साथियों ने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से सवाल हैं। पहला कि रिटायरमेंट के बाद कौन कौन से जॉब अवेलेबल हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। दूसरा कि जो एक्स सर्विसमैन ग्रेजुएट नहीं हैं और 10th और 12th पास हैं, उनके लिए कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कई साथियों ने पूछा है कि एक्स सर्विसमैन का कोटा कौन कौन से ग्रुप्स में होता है और कौन कौन से ग्रुप्स में कितना रिजर्वेशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कई लोगों ने पूछा है कि इन जॉब्स के अंदर सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल में 4 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए, बी, सी और डी। वैसे तो इन ग्रुप्स में काफ़ी पोस्ट्स आती हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे केवल उन पोस्ट की जो एक्स सर्विसमैन के लिए अवेलेबल हैं और जिनमें एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है। ग्रुप ए और बी में सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आते हैं। ग्रुप सी में क्लर्क, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट आदि आते हैं। और ग्रुप डी में गार्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए और बी में एक्स सर्विसमैन के कोटे की। तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ग्रुप ए और बी की पोस्ट में एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जो ग्रुप ए और बी में एक्स सर्विसमैन को कोटा प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से स्टेट्स हैं। वो स्टेट्स हैं गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, उत्तराखंड और अभी कुछ समय पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने भी ग्रुप ए और बी की पोस्ट में एक्स सर्विसमैन के लिए 5% कोटा लागू किया है। ग्रुप ए और बी की पोस्ट यानी सिविल सर्विसेज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सिविल सर्विसेज का जो जॉब है बेस्ट जॉब है और एक एक्स सर्विसमैन का सिविल सर्वेंट बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि राजस्थान के एक्स सर्विसमैन श्री दिलीप सिंह जी SDM बने हैं। इसी प्रकार से हरियाणा के एक्स सर्विसमैन श्री नसीब कुमार जी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने हैं और भी काफ़ी एक्स सर्विसमैन हैं जो सिविल सर्वेंट बने हैं। कि जो सैलरी होती है वो 60 से लेकर के 65,000 स्टार्टिंग होती है और बाकी अलाउंसेस भी होते हैं। सिविल सर्विसेज जॉब का एक दूसरा पहलू यह भी है कि इसको पाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं वो चैलेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है कि इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी है, काफ़ी बड़ा है। आपको अपने स्टेट, कंट्री और वर्ल्ड लेवल की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ये सब पढ़ना होगा। प्लस आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को अपडेट रखना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना होगा, तभी आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। दूसरा, जो सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है। रिटायरमेंट के बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए 2-3-4 साल तक का वेट करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में जो एक्स सर्विसमैन 2016 लास्ट में सोचकर रिटायर हुए कि उन्हें RS बनना है, वो आज तक वेट कर रहे हैं क्योंकि 2017 में एग्ज़ाम हुआ ही नहीं और अक्टूबर 2018 में RS का प्री हुआ, जून 2019 में RS का मेंस हुआ और अभी 2020 चल रहा है और अभी तक मेंस का रिजल्ट नहीं आया है। तो कहने का मतलब है कि आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा क्योंकि लंबा टाइम लग सकता है। और तीसरा कि आपको इकोनॉमिक बैकअप होना चाहिए क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इनकम कम हो जाती है और खर्चे सेम रहते हैं तो धीरे धीरे जमा पैसा ख़त्म होने लगता है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन आप समझते हैं कि ये सब आप चैलेंज फेस कर सकते हैं और आप में वो डेडिकेशन है तो आप सिविल सर्विसेज का ऑप्शन ले सकते हैं, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, SSC CGL का जॉब भी काफ़ी अच्छा जॉब है एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए और वो मेन पोस्ट जिसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है वह इस प्रकार से हैं: इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑडिटर इन CAG, ऑडिटर इन CGDA, इनकम टैक्स असिस्टेंट। इसके अलावा भी काफ़ी पोस्ट हैं जिनमें एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है। बात करते हैं सिलेबस की, तो इसमें मैथ्स, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आते हैं। अभी हम देखते हैं कि SSC CGL ज्वाइन करने से एक्स सर्विसमैन को कौन कौन से बेनिफिट हैं।
सबसे पहला तो इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी जो कि पे लेवल 7 में आती है वह 44,900 से 142,400 है। इसी तरह से ऑडिटर इन CAG की सैलरी पे लेवल 5 में आती है जो कि 29,200 से 92,300 है। बाकी सभी पोस्ट में भी सैलरी काफ़ी अच्छी है। दूसरा, अगर हम कंपेयर करें SSC CGL के जॉब को बाकी जॉब के साथ, तो इसमें जो वर्क प्रेशर है वो काफ़ी कम रहता है। और तीसरा कि काफ़ी रेस्पेक्टेबल जॉब है, जॉब मिलने के बाद आपको जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है और किसी दूसरे जॉब की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की, इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, लगभग 2 साल लग जाते हैं ज्वाइनिंग मिलने में, क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम है वो चार टीयर में कंप्लीट होता है। दूसरा, इसमें कंपटीशन काफ़ी होता है क्योंकि काफ़ी एक्स सर्विस मैन पसंद करते हैं SSC CGL को ज्वाइन करना। एक जो इसमें पोस्टिंग है वो आपको मेरिट बेस के ऊपर ही मिलती है। अगर आपकी मेरिट अच्छी है तभी आपको अपनी पसंद की जगह पे पोस्टिंग मिलेगी, अदरवाइज़ आपको किसी दूर के एरिया में भी जाना पड़ सकता है। और चौथा, इसमें कि एक टाइपिंग टेस्ट होता है जिसमें 27 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको चाहिए, तो जो लोग कंप्यूटर के ज़्यादा टच में नहीं हैं उनको इस स्पीड को डेवलप करना पड़ता है। बात करते हैं बैंकिंग के जॉब की, तो बैंकिंग का जॉब ऑप्शन भी अवेलेबल है एक्स सर्विस मैन के लिए आफ्टर रिटायरमेंट। इसमें जो कोटा होता है वो क्लर्क पब्लिक एसोसिएट की पोस्ट पर होता है और इसका जो सिलेबस है वो लगभग SSC CGL जैसा ही होता है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह सब आते हैं। बात करते हैं बैंकिंग के बेनिफिट की, तो सबसे पहले इसमें एक्स सर्विस मैन का बेनिफिट कि इसको पे प्रोटेक्शन मिलता है। रिटायरमेंट के जो समय जो एक्स सर्विस मैन सैलरी ले रहे हैं उससे ऊपर ही उनको बैंक में सैलरी स्टार्ट की जाती है। दूसरा, इसका रिक्रूटमेंट काफ़ी फास्ट है, लगभग 1 साल से पहले इसका ज्वाइनिंग हो जाता है। तीसरा, इसका स्टेट में ही पोस्टिंग रहता है। चैलेंजेस की बात करें तो इसमें भी काफ़ी एक्स सर्विस मैन पसंद करते हैं बैंकिंग में आना, तो कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है। और दूसरा, बैंकिंग में काम तो रहता है और क्लर्क लेवल तक तो ठीक है, लेकिन जैसे आप प्रमोशन लेके हायर रैंक में जाते हैं तो आपका वर्क प्रेशर भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगता है। और अगर आप बैंकिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैंने एक अलग से वीडियो पूरा बैंकिंग के ऊपर बनाया है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपको बैंकिंग के बारे में पूरी जानकारी, सारे प्रोसेस पता लग जाएंगे। अभी बात करते हैं SSC CPO की, तो SSC CPO का भी जॉब ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें जो पोस्ट अवेलेबल हैं वो हैं सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, CRPF, ITBP, SSB, BSF, CSF, तो ये सभी पोस्ट अवेलेबल हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए और इसके सिलेबस में रीजनिंग, मैथ्स, GK और इंग्लिश आते हैं। इसका सिलेक्शन भी 4 पार्ट्स में कंप्लीट होता है, जिसमें फिजिकल और मेडिकल भी शामिल है। बात करते हैं सैलरी की, तो SI की सैलरी लेवल 6 में होती है जो कि 35,400 से 112,400 है, और ASI की सैलरी लेवल 5 में आती है जो कि 29,200 से 92,300 है। तो ये जॉब भी काफ़ी अच्छा है, बट अगेन जो लोग फोर्स जैसा ही जॉब पसंद करते हैं, क्योंकि उस जो सेना से मिलता जुलता ही जॉब है, तो उस टाइप के जॉब जो पसंद करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा जॉब है। अभी बात करते हैं रेलवे में जॉब की, तो रेलवे में भी जॉब ऑप्शन अवेलेबल हैं एक्स सर्विस मैन के लिए, और इसमें जो पोस्ट हैं वो काफ़ी पोस्ट हैं जो 12th जो पास हैं उनके लिए भी अवेलेबल हैं, और कई पोस्ट हैं जो ग्रेजुएशन हैं उनके लिए अवेलेबल हैं। एक्स सर्विस मैन के लिए जो पोस्ट अवेलेबल हैं उनमें स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क, टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क, गॉड्स गार्ड, ये सभी पोस्ट हैं जो एक्स सर्विस मैन के लिए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी पोस्ट हैं जो एक्स सर्विस मैन जिसमें ट्राई कर सकते हैं। रेलवे के सिलेबस की बात करें तो इसमें रीजनिंग, GK, जनरल साइंस, कंप्यूटर आदि आते हैं। सैलरी देखें तो स्टेशन मास्टर की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 35,400 है, और अगर बात करें जूनियर क्लर्क की तो उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 19,900 से शुरू होती है। रेलवे का जॉब भी काफ़ी अच्छा जॉब है, बस इसमें एक ही चीज़ आपको देखना है कि जो इसके जोन्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो आपको किसी भी जोन में जब जिसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपको उस जोन में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। इसके बाद स्टेट पुलिस के जॉब में भी एक्स सर्विस मैन का कोटा होता है। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है और कांस्टेबल के लिए 10th और 12th भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करें सिलेबस की तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, बट मेनली जो इसमें आता है वो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब इसमें आता है। बात करें सैलरी की तो सब इंस्पेक्टर की सैलरी 9,300 से 34,800 और कांस्टेबल की सैलरी 5,200 से 20,000, ये भी स्टेट टू स्टेट थोड़ा वेरी कर सकता है। जो एक्स सर्विसमैन केवल 10th पास हैं उनके लिए बैंक गार्ड का जॉब भी एक अच्छा जॉब है। इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी डिस्चार्ज बुक में एंट्री है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बात करें एग्ज़ाम की तो अभी पिछले साल जो RBI गार्ड्स का एग्ज़ाम हुआ वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, अदरवाइज जो बाकी बैंक के गार्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें फिजिकल और इंटरव्यू ही होता है। बैंक गार्ड की जो टोटल सैलरी है वो अप्रोक्स 40,000
मिल जाती है, प्लस उन्हें वो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो बैंक में अन्य स्टाफ को मिलती हैं। बैंक गार्ड में अप्लाई करने के लिए आपको हर एक्स सर्विस मैन को जिला सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि बैंकों से जिला सैनिक बोर्ड को ही लेटर भेजा जाता है वैकेंसीज़ के लिए। तो ये सभी वो मेन जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं एक्स सर्विस मैन के लिए। इसके अलावा भी काफ़ी जॉब्स हैं जिनमें एक्स सर्विस मैन का कोटा होता है, लेकिन एक वीडियो में सभी को कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए मैं आने वाले वीडियोज़ में उनको कवर करता रहूँगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बनाऊं और वो आपके मोबाइल पर पहुंचे, तो सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।